सत्ता की राह जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने बाकी के दलों को बहुत ज्यादा एडजस्ट करवाया, लेकिन शायद इस बार उन्हें एडजस्ट करना होगा, उन्हें हिसाब देना होगा। ये सारी दिक्कतें नहीं आती अगर बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पूरा कर लेती। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि वो एडजस्टमेंट क्या है जो बीजेपी को करनी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो बात दरअसल ऐसी है कि एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन साथ मिले गठबंधन के दो मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू। इनके बिना फिलहाल बहुमत नहीं है और इन्हें इस 100 दिन के प्लान में से कई चीजें मंजूर नहीं है। तो क्या है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड, CNRC, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के और मुस्लिम रिजर्वेशन, वन नेशन इलेक्शन को लेकर के बहुत बार विरोध अपना दर्ज कर चुके हैं, और बीजेपी इन्हीं सभी तमाम मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती रही है, बहुत मुखर रही है। जिसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे गठबंधन में शामिल पार्टियों की विचारधारा जो है वो एक जैसी नहीं है। और वहीं बीजेपी को अगर देखें तो हमें ये भी पता है कि बीजेपी किसी भी चीज को लेकर के झुकेगी नहीं, जिससे पार्टी में कलेश होने की संभावना जो है वो दिख रही है। अगर अलग अलग पार्टी के अलग अलग मांगों के बारे में बात करें तो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने बीजेपी को सांसदों का समर्थन पत्र सौंपते ही जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठा दिए हैं। केसी त्यागी ने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो या डिफरेंट सेक्ट्स हो, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में जिस पर जेडीयू चर्चा कर चुकी है। तो पहला है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीसरा अग्निवीर योजना और चौथा मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना, पांचवा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, छठा है वाफ बोर्ड खत्म करना और सातवां है CAA का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। इन सब के अलावा महिला आरक्षण के भीतर OBC और SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने पर भी नीतीश की तरफ से पहल हो सकती है। जेडीयू सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निवेश का भी विरोध कर रही है। वहीं अगर बात TDP की हो तो TDP लीडर चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं थे। 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो TDP ने बीजेपी से हाथ खींच लिया था, समर्थन खींच लिया था। दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी तक बता दिया था और वही TDP अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी, जिसके बाद मोदी जी ने भी चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्ट राजनीतिज्ञ बता दिया था। वहीं तेलुगु देशम पार्टी नेता रविंद्र कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। TDP नेता रविंद्र कुमार से जब सवाल किया गया मुस्लिम आरक्षण के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैडम, मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू इन आंध्र? यस, वी विल कंटिन्यू इन दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वही अब ये जो विषय है वो चर्चा का विषय है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों पार्टीज हैं उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी से मैच नहीं करती है और ये उन चीजों का विरोध कर रहे हैं जिस पर बीजेपी हमेशा मुखर रही है, जिस पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। तो आगे जाकर के हो सकता है, ऐसी संभावना है कि पार्टी के अंदर कलेश हो, कला हो। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में रखना ना भूले और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। We'll be right back.